हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर्स। सो गाइस, हम बात करेंगे सुदर्शन केमिकल के बारे में। आई थिंक सो ये स्टॉक के बारे में सभी को पता रहेगा स्टॉक कैसा है। स्टॉक में काफ़ी अच्छा हमको क्या है गैप अप भी हमको देखने को मिला था 18 मई को। फिलहाल इसका जो क्वार्टर जो रिजल्ट निकल के आया था, अगर आप देखेंगे सो इसका जो रिजल्ट है वो आई थिंक सो 17 मई के आसपास, सॉरी मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ, इसका जो यहाँ पे क्या है 18 मई को गैप अप हुआ था ना, रिजल्ट है 17 तारीख को निकल गया था शाम के टाइम पे, मतलब शाम के टाइम पे इसका रिजल्ट का डिक्लेयर एक्चुअली किया गया था। इसने डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी किया, 1 रुपीज़ जो प्रोवाइड करी पर शेयर के पीछे डिविडेंड। साथ में रिजल्ट्स पे ध्यान दोगे ना इसमें, सो रेवेन्यू जो नंबर है हमको अच्छे खासा इसमें ग्रो होते देखने को मिल रहे क्वार्टरली वाइज अच्छे खासे प्लस। एंड एक्सपेंसेस जो होते एक्सपेंसेस भी कंपनी के बढ़े हैं यहाँ पे। एंड फिलहाल यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखते हैं ना, सो मैं आपको नेट प्रॉफिट दिखा, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये इसका नेट प्रॉफिट है। अगर आप यहाँ पे देखोगे सो दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट किया था कितने, एक्चुअली इसका लैक्स में दिया, मैं आपको करोड़ में काउंट करके दिखा रही हूँ। सो लगभग क्या है 14 करोड़ का लगभग क्या है इसने प्रॉफिट किया था। करंट क्वार्टर में कंपनी ने कितना 59 करोड़ का प्रॉफिट किया है। सो लगभग प्रॉफिट जो ग्रोथ है कंपनी काफ़ी अच्छे हमको यहाँ पे क्या बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, जिसके कारण अगर आप देखेंगे सो सेकेंड डे ही मेन जैसे रिजल्ट आज निकला शाम को, सेकेंड डे ही गैप अप हुआ स्टॉक्स में एंड स्टॉक में काफ़ी अच्छा मूव भी देखने को मिला। उस दिन देखेंगे तो स्टॉक लगभग क्या है 36.75 रुपीज़ अप था, उसके बाद भी स्टॉक क्या अप था यहाँ पे लगभग कितना 63.35 रुपीज़। अब लोगों का कहना है कि ये इतने बार गैप अप हो चुका है सो अब इसके गिरने के चांसेस हैं क्या, थोड़ा वो नीचे गिर सकता है क्या, ये पॉसिबिलिटीज है ये स्टॉक नीचे गिर सकता है। बट मैं आपको यहाँ पे एक लेवल्स दूंगी कि ऑप्शंस में अगर आप इसमें ट्रेड करने जाएंगे सो ऑप्शंस में बेसिकली ये स्टॉक आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, बिकॉज ये इक्विटी में ही आपको मिलेगा, ऑप्शंस में आपको ये स्टॉक नहीं मिलेगा। सो होल्डिंग करना रहेगा, सो अगर ये थोड़ा बहुत रिकवरी करता है देन आप इसमें शेयर में खरीद सकते हैं। शेयर कहाँ खरीदना है उसका मैं आपको एंट्री लेवल दे देती हूँ। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे सो ये आपका एंट्री लेवल रहेगा कौन सा 852.80 रुपीज़ का, ओके। एंड ध्यान रखिए अगर ये सपोर्ट लेवल तोड़ता है ना, ये वाला कौन सा 815 रुपये का अगर ये सपोर्ट लेवल तोड़ता है देन आप इसको खरीदिएगा मत, बिकॉज वहाँ से लेवल तोड़ा सो लगभग ये जो शेयर है 800 या फिर 780 तक ये जो शेयर है और नीचे क्या है गिर सकता है, चांसेस हैं इसके, ओके। एंड इफ अगर ये ब्लू लाइन क्रॉस करता है तो अराउंड ये जो शेयर है वापस क्या 893.40 रुपीज़ के आसपास क्या है यहाँ तक इसके क्या है जाने के चांसेस हैं फिलहाल। एंड मैं आपको यही बोलूँगी इंट्राडे में भी अगर आपको ट्रेडिंग करना रहेगा सो ये लेवल्स क्या ध्यान में रख के ही आप इसमें ट्रेड कीजिएगा। बाकी 15 मिनट के इसमें देखोगे ना सो 15 मिनट के इसमें आपको ईजिली आपको दिखेगा कि जब भी ये लेवल तोड़ता है तब भी एक बोलते हैं ना बिग मूव हमको देखने को मिलता है। सो वन ऑफ द लाइक बेस्ट बोलेंगे तो सबसे मेन लेवल है 852.80 रुपीज़ का। सो जैसे ही लेवल ब्रेक करेगा तभी आपको एंट्री करनी है, टारगेट आपका रहेगा 893.40 रुपीज़ का। सो बेसिकली ये आपका लेवल्स है फॉर दी फ्राइडे के लिए। बाकी रिजल्ट तो इसके अच्छे खासे हैं, अगर होल्डिंग करना रहेगा सो डेफिनेटली ये स्टॉक आप होल्डिंग कर सकते हैं। सो आई थिंक आपके जो डाउट एक्सेप्ट हो गए हैं सो गाइस लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।